तीन दो एक चार्ज करो एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए। और जब एक कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो ऐसी आवाज़ आती है। और सोचो जब पूरे के पूरे 15 कैपेसिटर डिस्चार्ज होंगे तो क्या होगा। पंखे में एक कैपेसिटर की बजाय अगर पूरे के पूरे 15 कैपेसिटर लगा दें यहाँ पे तो भाई क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने की कोशिश करने वाले हैं। बिल्कुल भी कभी भी ऐसा ट्राई करने की कोशिश मत करना, काफ़ी ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है इसे निकाल के फ़ैन को चलाने की कोशिश करूँगा। देखूँगा कि बिना कैपेसिटर का फ़ैन कैसे चलेगा, चलेगा भी नहीं चलेगा, उल्टा चलेगा, सीधा चलेगा, या फिर क्या होगा पता नहीं। दोस्तों पंखे में कैपेसिटर का यूज़ होता है स्टार्टिंग टॉर्क देना, या फिर बोल लो पंखे को घुमाने में मदद करना, उसके बाद ही पंखा स्टार्ट होता है और घूमना चालू होता है। तो सोचो जब कैपेसिटर ही नहीं होगा तो शायद पंखा घूमे ही ना। अगर हम लोग उसे हल्का मदद भी कर देते घुमाने में तो शायद धीमे घूमे। देखते हैं अब सीधा कैपेसिटर निकाल के। तो ये मैंने पंखे से उसका कैपेसिटर निकाल दिया, पंखा हो गया बिना कैपेसिटर के। यहाँ पे जो कनेक्शन है डायरेक्ट बिजली से है बिना कैपेसिटर के। यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है वो सीरीज में लगा होता है पंखे की एक बाइंडिंग में। अब पता नहीं क्या होगा, चलो ऑन करते हैं फैन को। एक दो तीन, भाई देखो फैन चल गया बिना कैपेसिटर के। तो अभी तक हमने ये देखा कि भाई जो फैन बिना कैपेसिटर के भी चल रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा धीमा चल रहा है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया था, हमारा फैन उल्टा चल रहा था यार। फैन को घूमना चाहिए इस तरफ, लेकिन पिछली बार घूमा था इस तरफ। अब देखते हैं किस तरफ घूमेगा। तीन दो एक स्टार्ट। फिर से फैन हमारा उल्टा घूम रहा है यार। रुको बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। तो बिना कैपेसिटर के फैन उल्टा घूम रहा है। ऐसा करते हैं आपकी बार हम लोग इसे स्टार्टिंग टॉर्क दे देते हैं हाथ से घुमा के। अब फैन को ऑन करना, ठीक है। हम लोग इसे घुमा देते हैं सीधा पहले ही। तो तीन ले, बिना कैपेसिटर के फैन उल्टा घूमने की कोशिश कर रहा है। ये देखो अजीब बात है। ऐसा करते हैं बंद करो इसे बंद करो बंद करो। पर टेम्परेरी मैंने फिर से कैपेसिटर लगा दिया चेक करने के लिए पंखा ख़राब तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे फैन फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। भाई स्टार्ट करो, लो एकदम सही हो गया, बिल्कुल सही तरीके से फैन चल रहा है, स्पीड भी पकड़ ली है और सब कुछ एक नंबर। अब फाइनल एक्सपेरिमेंट की घड़ी इसमें लगाने हैं हमें। आ जाओ भाई, पूरे के पूरे 15 कैपेसिटर देख लो, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग इसे एक बार चार्ज करके डिस्चार्ज करके देखते हैं कि भाई कितना क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी दूर से इनको चार्ज करेंगे क्योंकि हमें कुछ भी आ गया नहीं क्या हो सकता है। तो दूर हट जाते हैं। तीन दो एक चार्ज करो एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए। और बस 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 शायद चार्ज हो गए हैं। यहाँ पे मैं सुरक्षित दूरी से एक डंडे की मदद से इनको डिस्चार्ज करने वाला हूँ। और कितना जोरदार था भाई, बहुत तेज था, बहुत ज़्यादा तेज था भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जबरदस्त अनाउंसमेंट सुनते जाओ भाई। आप लोग यहाँ पे मेरी वीडियोस तो देखते ही देखते हो, लेकिन क्या आपको पता है मेरे को ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं, मैं साइंस को इतनी अलग नज़र से कैसे देखता हूँ, पता है नहीं पता ना। और यही नहीं, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट कैसे घर पर सोचें, कैसे इनकी शुरुआत करें, भाई लोगों इन सभी पे बात करेंगे लाइव, वो भी अनअकैडमी के एक्सक्लूसिव सेशन में। और वहाँ पे किसी एक व्यूअर को मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। और यही नहीं, उसको शॉर्ट आउट भी मिलेगा मेरे चैनल पे। और भाई वहाँ पे क्यों नहीं भी होगा, आप लोग सवाल पूछना, मैं आपके जवाब दूंगा लाइव। तो भूलना नहीं भाई 31 जुलाई शाम के 5 बजे सिर्फ अनअकैडमी पर। तो भाई इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन करना है, क्लिक करना है नोटिफाई मी पे और फ्री में ज्वाइन करने के लिए यूज करो मेरा कोड FOWS10। तो भाई मिलते हैं 31 जुलाई शाम के 5 बजे अनअकैडमी पे, भूलना नहीं। एक हटा दिया है, ये सब लगाता हूँ यहाँ पे अब किसी तरीके से। फाइनली यहाँ पे लग चुके हैं पूरे के पूरे 15 कैपेसिटर। अब कुछ भी आ गया नहीं भाई यहाँ पे, क्या होने वाला है। पंखा चलेगा, बढ़ेगा, घूमेगा, हाँ
हमें उड़ाएगा, खुद उड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। भाई नीचे से भी पंखा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा है, ये देखो इतने सारे कैपेसिटर लटक रहे हैं जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता लग गया हो पंखे के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ हम लोग कोई भी नहीं खड़ा होगा, कोई भी नहीं, बस कैमरा यूँ ही लगा दिए हैं, चालू करके दूर भाग लेंगे और पता नहीं क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, डग डुगा सकता है, इसलिए कभी भी ऐसा ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, बहुत ख़तरनाक ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है। बस 3, 2, 1 होने की बारी है, 3, 2, 1 पंखा चालू, और पंखा यहाँ पे चल चुका है, 15 कैपेसिटर लगे होने पर भी, और ये पंखा चला है उल्टा, ये क्या हुआ, पंखा चला लेकिन उल्टा चला, मुझे लगा जल बल जाएगा, और ये धीमा चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, बंद करो। यहाँ पे सारी जो कैपेसिटर है ना वो पैरेलल में कनेक्टेड थे, लेकिन अभी भी पता नहीं क्यों क्या हुआ कि ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, मुझे लगा डग डुगा जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इतने सारे कैपेसिटर लगे होने पर भी कोई भी धमाका भी देखने को नहीं मिला, ऐसा करते हैं सिंपली सिर्फ 2 लगा के चेक करते हैं कि 2 लगाने पर क्या होगा। तो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ये 2 कैपेसिटर के कनेक्शन फैन से हैं, बाकी मैंने ये सब बड़े वाले 15 के 15 अलग कर दिए हैं। तो पंखे में सिर्फ 2 कैपेसिटर, पंखा ऑन कर रहा हूँ, पंखा बिल्कुल नॉर्मली ऑन हो गया, वो भी सीधा सीधा बिना किसी दिक्कत के, तो 2 कैपेसिटर से तो भाई हाँ स्पीड तो पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है, ये देखो, लेकिन पता नहीं 15 पे क्यों नहीं चल रहा है, 2 पे तो चल गया बहुत बढ़िया तरीके से। तो ऐसा करते हैं ये 15 कैपेसिटर ना लगा के सिर्फ 5 लगाते हैं, पता नहीं 15 पे क्यों नहीं चल रहा है, 2 पे तो भाई बहुत तेज चला, नॉर्मल से भी तेज चला। ऐसा करते हैं 5 नहीं 6 लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये बाकी के मैंने निकाल लिए, आप देखते हैं 6 पे पंखे की क्या हालत होगी। तो यहाँ पे 6 कैपेसिटर का कनेक्शन हो गया है पूरा, 3, 2, 1 फैन स्टार्ट, 6 कैपेसिटर पे फैन सीधा चला लेकिन धीमा चल रहा है, तो कुछ ऐसा हो रहा है 2, 6 और 15 कैपेसिटर लगाने पर, 2 पे बहुत तेज चला, 6 पे धीमा हो गया, 15 पे तो उल्टा ही चल रहा था, और जब नहीं लगा था तो भी उल्टा चल रहा था और धीमा चल रहा था, पंखे की आवाज़ भी बिल्कुल अजीब हो गई है। ध्यान रखना आज के केस में मैंने कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट रखा है, एक पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होंगे, उसमें पता नहीं शायद कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। तो इस जबरदस्त एक्सपेरिमेंट के लिए एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर बटन दबाना बनता है भाई, इतना कर दो आज करो, वीडियो का लाइक टारगेट है 20,000 लाइक्स भाई, जल्दी से पूरा करो। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि क्या होता है बिना कैपेसिटर के, 2 कैपेसिटर के, 5 कैपेसिटर के, सॉरी 6 और 15 कैपेसिटर लगा के पंखा चलाने पर क्या होता है। कैसा लगा वीडियो, मस्त लगा ना? और हाँ, 31 तारीख को लाइव देखना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अन अकेडमी में लाइव आऊँगा, ठीक है, टाटा बाय बाय। और ये फैन बहुत ज़्यादा गर्म भी होने लगा है 5 कैपेसिटर पे, तो ज़्यादा देर चलाने कोई मतलब बनता नहीं है, मोटर जाएगी जल और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, लेकिन कोई ब्लास्ट वगैरह नहीं हुआ।